तो हे सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। काफी समय के बाद आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो का टॉपिक ये रहने वाला है कि आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये जो कि है मेरे सारे ड्राइंग एग्जीबिशन के सभी अवार्ड्स है, जो कि मैं आज के इस वीडियो में इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, ये है कुछ अवार्ड्स जो कि मैंने पढ़ाई के दौरान प्राप्त किए हैं। तो आइए एक एक करके इस सब का रिव्यू देता हूँ आप सबको। तो सबसे पहले है ये सेकंड स्टडी का, जब मैं सेकंड में स्टडी करता था तब, और यहाँ पे स्टडी लिखी हुई, और यहाँ पे मेरा नाम है, और यहाँ पे स्कूल का नाम है, और ये मतलब कि रेंडम नंबर आए थे जब थर्ड या उसके अंदर नंबर नहीं आए थे। तो इसमें आप डेट देख सकते हैं 10/11/2012। तो ये मतलब कि अंदाजित 8 और 9 साल पुराना ये है, मतलब कि तब मुझे मिला था जब मैं बहुत छोटा था, मतलब दूसरे में अभ्यास करता था मैं, तब का है ये। और उसके बाद आता है ये भी मतलब कि मैं सेकंड स्टडी करता था तभी का ही है, आप देख सकते हैं। और तब मैं मतलब कि दूसरी बार मैंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था तब मैं फर्स्ट आ गया था। तो ये उसका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये 2012 का है। तो उसके बाद आता है ये थर्ड स्टडी का, जो कि आप देख सकते हैं, और ये भी स्टेट लेवल का ही है। तो इसमें भी मेरे रैंडम नंबर आए थे, और ये है 2013 का है। एंड उसके बाद ये फोर्थ स्टडी का, तो ये भी स्टेट लेवल का ही था, गुजरात स्टेट का। तो इसमें भी रैंडम नंबर आए थे। तो ये भी मुझे, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा और भी सर्टिफिकेट है, तो उसका रिव्यू का वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। और इसमें 2014 है। एंड फिर आता है सीधा 7th का, क्योंकि मैंने 5 और 6 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यह है 7th का, तो इसमें भी मैंने फर्स्ट आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट आया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यह है 2017 का। एंड उसके बाद आता है ये भी 7th का ही है, जो कि मैंने दूसरी बार पार्टिसिपेट किया था, तब भी रैंडम नंबर आए थे मुझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 30/11/2017 लिखा हुआ है। एंड ये है सभी से आखिरी, मतलब कि सभी से नया वाला, तो ये 8th स्टडी का है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 लिखा हुआ है, मतलब कि 2 या 3 साल पुराना है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम है, और यहाँ पे स्कूल का नाम है, और इसमें भी रैंडम नंबर आए थे। एंड ये भी स्टेट लेवल का है। और उसके बाद 2 गोल्ड मेडल है, आपको दिखाता हूँ मैं, जो कि एक ये है, तो इसमें भी मैं फर्स्ट आया था, और ये है मतलब कि जब मैं सेकंड स्टडी करता था तब का है, और ये मैं 7th में स्टडी करता था तब का है, जो कि मैंने आपको अवार्ड दिखा दिया, ये दूसरे का जिसमें मैं फर्स्ट आया था वो। और एक ये जो कि मैं 7th में फर्स्ट आया था, तो ये 2 में फर्स्ट आया था, और 2 में मुझे गोल्ड मेडल मिले थे स्टेट की ओर से। तो हाँ, तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक आर्टिस्ट, मतलब कि सक्सेसफुल आर्टिस्ट की स्ट्रगल कहानी होती है, कैसे वो मेहनत करके धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। जैसे आप सोच सकते हैं मतलब कि कोई एक दिन में या एक रात में आर्टिस्ट बन पाता है, तो वैसा नहीं होता बिल्कुल भी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके आप सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन पाते हैं। फिलहाल जो भी है, आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।